हेलो भाई, स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि विंडो का परिचय दिया और विंडो के बारे में बताया, उसके सेटिंग्स के बारे में बताया। पूरा इंट्रोडक्शन आपने पिछला वीडियो में देखा और आज इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में। जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे तो कीबोर्ड का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में भी जानना चाहिए आपको। तो आज हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, उसके कीज के नाम के बारे में जानेंगे, कुछ छोटे छोटे यूजेस बताऊंगा मैं, इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स मैं बताने वाला हूँ जो आपको काम करने में बहुत सुविधा होगा। शॉर्टकट्स के जरिए आप स्पीड में काम कर सकते हैं, विदाउट माउस काम कर सकते हैं आप। तो शॉर्टकट्स का भी एक अपना रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज मैं आपको पूरा उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें उसके जरिए आप बहुत ही इजी वे में आप कंप्यूटर घर बैठे सीख सकते हैं। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, जो आराम से घर बैठे जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। चलिए हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन से ही समझते हैं कीबोर्ड्स के बारे में और शॉर्टकट्स के बारे में। चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन पे इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कीबोर्ड का लेआउट हुआ और इसमें डायग्राम के जरिए आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि कौन से बटन को क्या कहते हैं, कौन से कीज़ को क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका और इसके यूज़ क्या क्या हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो ये सबसे पहला बटन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ESC लिखा हुआ, एस्केप बटन, इसको एस्केप बटन कहते हैं। पहले नाम को समझ लीजिए, फिर यूज़ भी समझेंगे। ये जो आप देख रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5 से लेकर F12 तक, ये फंक्शनल की कहलाते हैं, फंक्शनल की। उसके बाद आप ये इस रो को देखिए जो ब्लू लाइन से हाईलाइटेड किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका न्यूमरिक की है और स्पेशल कैरेक्टर की भी कहा जाता है इसमें। इसमें न्यूमरिक और स्पेशल कैरेक्टर जो है वो भी इसी में दिए हुए हैं। ये टैप बटन है, ये कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, विंडो बटन है, ये स्पेस बार है, सब पे लिखा हुआ भी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑल्ट बटन ये भी है, दो साइड दो ऑल्ट बटन कीबोर्ड में रहते हैं, दो कंट्रोल बटन रहते हैं, दो विंडो बटन, किसी में एक विंडो बटन, किसी में दो विंडो बटन ही रहते हैं। हाँ, ये शिफ्ट बटन भी दो है, ये एंटर बटन है, एंटर बटन यहाँ भी है और एंटर बटन यहाँ भी है। ये स्पेशल कीज़ हैं और इसका यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जगह जगह पर इसका यूज़ होता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप बीच में, ये अल्फ़ाबेटिकल की है, सारे अल्फ़ाबेट इसी के अंदर में है, ऐसे लेके जेड तक। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये एरो की है अप एंड डाउन के लिए, एरो की ये भी है, पेज अप पेज डाउन स्पेशल की भी है, ये होम एंड इंसर्ट डिलीट, यहाँ पे एंटर बटन है, ये न्यूमेरिकल कीपैड है, ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिक और लॉजिकल की भी इसे कहा जाता है। तो ये कीबोर्ड का लेआउट हुआ और जैसे जैसे हम आगे सॉफ्टवेयर में सीखते जाएंगे वैसे वैसे इन कीज़ का यूज़ भी मैं आपको बताते जाऊँगा कि इस की का यूज़ कहाँ कहाँ है, कैसे है, हर की का ज़रूरत पड़ता है और इसके बारे में डिटेल में आप जैसे जैसे वीडियो को देखते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 20 शॉर्टकट की को समझ लेते हैं। कीबोर्ड का नाम तो आपने समझ लिया, इसका यूज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप आगे इसको समझाएंगे प्रैक्टिकली करके तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए अभी हम इसको छोड़ते हैं और 10 शॉर्टकट की को समझते हैं सबसे पहले। क्योंकि विंडो 10 आपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि विंडो 10 का इंट्रोडक्शन हमने दिया और विंडो 10 के कुछ ऑप्शंस भी बताएं आपको। तो अभी विंडो 10 में शॉर्टकट कीबोर्ड के जरिए बिना माउस का यूज़ किए हुए शॉर्टकट की से भी हम आराम से बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो वो 20 शॉर्टकट की जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए शॉर्टकट की को समझते हैं और वीडियो में लगातार बने हुए रहिए और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए उसको, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्यूटर को सीख पाएंगे बेसिक लेवल से। ये चूँकि बेसिक का थोड़ा सा बोरिंग लगता भी है नए सीखने वालों के लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे आप सीखते जाएंगे ये उतना ही इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। जब तक आप नहीं जान रहे हैं तब तक ये आपको हो सकता है बोरिंग भी लगे, लेकिन जैसे जैसे आगे जानेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और चलिए देरी नहीं करते हैं, शॉर्टकट की पे चलते हैं। पहला जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F4। तो इसका यूज़ बेसिकली शटडाउन बॉक्स को ओपन करता है, उसमें ऑप्शन है शाइन आउट का, स्लिप का या स्टार्ट का, और
शटडाउन का, जैसे कि हम लोग चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। जैसे हम लोग स्टार्ट बटन पे जाते थे, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता था। जैसे हम लोग स्टार्ट बटन पे जाते थे, स्टार्ट बटन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट शटडाउन स्लिप सेन आउट। तो शॉर्टकट के जरिए जैसे आप अल्ट प्लस F4 का की दबाएंगे, आपको वो ऑप्शन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये शॉर्टकट की का मतलब है, शॉर्टकट का मतलब तो आप बहुत अच्छी तरह जान ही रहेंगे। तो अल्ट प्लस की से शटडाउन, ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे शटडाउन पे गए, यहाँ पे ओके करेंगे, सिस्टम बंद हो जाएगा। ये अल्ट प्लस F4 विंडो 10 का ये शॉर्ट की है। अब उसके बाद आते हैं दूसरे शॉर्ट की में, जो कि है अल्ट प्लस टैब बटन। अल्ट प्लस टैब बटन का यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे। जैसे आप अल्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे कैश हो रहा है। आपके जितने भी एक्टिव विंडो खुले हुए हैं, जितने भी एप्लीकेशन खुले हुए हैं, जो जो आपने खोल के रखा हुआ है, यहाँ पे जो जो है दिख रहा होगा आपको, ये जो जो खुले हुए हैं वो सारे को दिखाता है यहाँ से। और आप अल्ट प्लस टैब बटन को जैसे ही आप छोड़िएगा, जिस स्क्रीन पर जाना चाहें आप टैब से आप आगे बढ़ते जाएँ, और जैसे जैसे आप छोड़ेंगे वैसे वैसे ये आप मतलब आसानी से आप इसको मिनिमाइज़ नहीं करके, जैसे हम अगर लॉन्ग तरीके से जाना चाहें तो इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। हम देखिए सबको मिनिमाइज़ किया। मिनिमाइज़ करने के बाद फिर से जैसे मान लीजिए हमको इस फोल्डर पे जाना है, तो यहाँ पे आके आपको खोलना पड़ेगा। तो ये इसको शॉर्ट की है, अल्ट प्लस टैब बटन दबाइए, और उसके बाद आप शॉर्ट की के यूज़ करके तुरंत वहाँ पहुँच सकते हैं। अब तीसरा शॉर्ट की है बैकस्पेस। ये बैकस्पेस बटन है, जैसा कि कीबोर्ड में आप देखेंगे बैकस्पेस बटन कहाँ पे है। तो बैकस्पेस का यूज़ जनरली हम लोग बैक होने के लिए करते हैं, जैसे कि बैक लिखा हुआ है तो बैक से समझ में आ रहा होगा आपको बैकस्पेस का। जैसे मान लीजिए हम तो यहाँ पे नोटपैड को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जैसे हमने टाइप किया, ये हमने टाइप किया, तो बैकस्पेस को आप प्रेस करके ये देखिए आप बैक जा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। बैकस्पेस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, कंट्रोल अल्ट प्लस टैब। इसका यूज़ देखते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस टैब, ये क्या दिखा रहा है आपको? जो अल्ट प्लस टैब बटन दिखा रहा था वही इसको दिखा रहा है, जितने भी ओपन है वो सबको दिखा रहा है। ये बेसिकली दोनों में अंतर क्या है, अल्ट प्लस टैब और कंट्रोल अल्ट प्लस टैब में। अल्ट प्लस टैब में क्या करते हैं कि जैसे ये स्क्रीन आपके पास में आया शॉर्ट की का, और आपने जितने भी एक्टिव विंडो खुले हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन अल्ट प्लस टैब बटन पे जहाँ पे आप इस की को छोड़िएगा ये आपके सामने आकर के वो विंडो ओपन हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल अल्ट प्लस टैब में ये ओपन नहीं होगा, ये सिर्फ आपको दिखाएगा। अगर इसको आपको ओपन करना है तो इंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसमें चलते हैं कंट्रोल प्लस एरो की। इसका बेसिक काम है ये स्टार्ट मेनू के साइज को बड़ा और छोटा करते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखा आपने, इसका काम है ये जो बॉक्स खुला हुआ है आपका स्टार्ट मेनू का, इसको बड़ा या छोटा करने के लिए। एरोपी से कंट्रोल के साथ में अगर एरोपी को प्रेस करते हैं तो आपका ये बड़ा और छोटा होता है। यह है इसका यूज, कंट्रोल प्लस एरोपी। अब नेक्स्ट बटन है कंट्रोल प्लस F5, और जैसा कि ब्रैकेट में देख रहे हैं आप कंट्रोल प्लस R, दोनों का वर्क किया रिफ्रेश करने के लिए, करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे आप माउस का राइट बटन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, इससे क्या होता है रिफ्रेश होता है, तो उसको आप F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप बटन, ये ओपन टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए इसका यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस स्केप बटन के साथ में प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप बटन। ये देखिए आपका टास्क मैनेजर खुल गया, इसमें आपको बताता है कौन कौन सा एप्लीकेशन आपका खुला हुआ है, कौन कौन से एप्लीकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खुला हुआ है। इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड टास्क करेंगे वो खुल जाएगा। इसका एक और तरीका है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट बटन, यहाँ पे आए आप, यहाँ से टास्क मैनेजर में गए, फिर वही ऑप्शन आपको खुल जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप बटन और कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट बटन, इससे आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। विंडो की जैसा कि आप जानते हैं विंडो की से ओपन स्टार्ट मेनू, मैंने करके भी दिखाया अभी विंडो की से, जैसे विंडो की को प्रेस करेंगे ये स्टार्ट मेनू आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं विंडो की प्लस अल्ट प्लस डी बटन, तो इसको प्रेस करके देखते हैं ये डेट और टाइम के जो टास्क बार में डेट और टाइम यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा है आपको, ये सीधा आपको वहाँ पे लेके जाएगा। विंडो प्लस अल्ट प्लस डी, देखा आपने डेट और टाइम का जो टास्क बार में है ऑप्शन आपके सामने आ गया, डायलॉग बॉक्स खोल के आ गया। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। कंट्रोल ए बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है, ये किसी भी तरह के फाइल्स को, फोल्डर्स को, टेक्स्ट को, ये सब को कंट्रोल ए से एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे अगर हम करें तो उसको लगाते हैं, जैसा कि आप मान लीजिए खुल गया। अब यहाँ से हमको हर एक आइटम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से ये ऑल सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने एक लाइन को कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए और दूसरा जगह जाते हैं, जैसे ये फोटोज़ हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, सबको एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए शॉर्ट की है ऑल सेलेक्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल सी, यही जैसा कि आपने देखा हमने कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट किया, उसी तरह कंट्रोल सी करके हम पूरा को कॉपी कर सकते हैं या फिर सेलेक्टेड जो भी सेलेक्टेड आइटम है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वी, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को या भी किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं पेस्ट कर दिया हमने, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ होता है। तो ये था आज का क्लास, आपको मैंने इस क्लास में कीबोर्ड के कीज़ के नाम बताएं और 20 शॉर्टकट की बताएं जो विंडोज़ में यूज़ होते हैं, विंडो डेस्कटॉप के लिए है शॉर्ट की है जो विंडोज़ में यूज़ होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।